हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फोटेक आईटी क्लासेस। जी हाँ, जो आपकी डिमांड थी वो आज पूरी होने वाली है। सर, एनसिल की कोई डेमो क्लास हमें प्रोवाइड करा दीजिए जिससे कि हम आपके साथ कनेक्ट हो पाएँ। सर, हमने बहुत जगह कोर्स ऐसे लिया जहाँ पे हमें डेमो क्लास नहीं मिली थी, फिर भी हमने ज्वाइन कर लिया और हमें कंटेंट वहाँ पे नहीं मिल पाया। वही पुरानी वीडियो, वही ओल्ड वीडियो हमें मिली, जिसके कारण से हम विश्वास उड़ गया कि हम बिना कुछ डेमो देखे कैसे पढ़ाया जा रहा है, क्या कंटेंट है, तब हम आपका कोर्स ज्वाइन करेंगे, तभी हम आपके एक सही गाइडेंस के साथ सही रास्ते पे चलेंगे। तो अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाने जाना हूँ जिसका नाम है वेल्डिंग्स। वेल्डिंग का एक टॉपिक बहुत ही प्यारा सा है, वेल्डिंग फ्लेम, टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लेम। आप कोई भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दो, चाहे आप फिटर से हो, चाहे मशीनिस्ट से हो, चाहे टेंडर से हो और वेल्डर से भी हो, तो यकीन मानिए ये टॉपिक ऐसा है कि 100% आपसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो विद द डायग्राम आपको समझाऊंगा, कुछ मैं आपको वेल्डिंग भी, वेल्डिंग के टाइप ऑफ फ्लेम भी पढ़ाने वाला हूँ, और यहाँ पे आपको एसिटिलीन सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर और उसके कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर होते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिलेंडर के, वो भी चीज़ मैं आपको बताना जा रहा हूँ। वीडियो को बहुत ही अच्छे से केयरफुली विद नोट कॉपी लेके पेन बैठना, बहुत ही अच्छे से वॉच कर लेना। अगर आपको वीडियो लास्ट में लगे कि हाँ सर है कुछ दम कंटेंट में, पढ़ाने का तरीके में दम है, तो यकीन मानिए आप लोग एक प्यारा सा, मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप एक प्यारा सा कमेंट करके सब लोग जाओगे और वीडियो को लाइक करके और वीडियो को उन बच्चों तक शेयर कर देना जो कि भटक रहे हैं कि सर हम तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो एनसिल की वैकेंसी आई नहीं है तो आपको तो बैठना नहीं है ना, आपको मेरे साथ अभी से कनेक्ट हो जाना है, क्योंकि आने से पहले वैकेंसी ये ना हो कि आप मेरा वीडियो देखते रहो, नहीं, आपका उस टाइम का बेस्ट टाइम होता है कि रिवीजन करना जो चीज़ आपने 6 महीने से 7 महीने से या पहले से कनेक्ट होकर मुझसे पढ़ रखा है। तो वीडियो को एंजॉय करिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो कि होने वाला है वेल्डिंग, टाइप ऑफ वेल्डिंग फ्लेम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज की क्लास का, लेक्चर नंबर 2 का, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं वेल्डिंग फ्लेम के बारे में। आप किसी भी डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम दो, कहीं भी दो, अगर फिटर मशीन स्टैंडर्ड से हो तो 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आप वेल्डर से हो तो भाई आपके लिए तो ये रामबाण क्लास होने वाली है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपको फ्लेम क्या होती है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी डिफिनेशन पूछूँ, व्हाट इज फ्लेम, व्हाट इज फ्लेम। फ्लेम आपने देखा होगा यार कि जैसे आपने देखा होगा जब आप लाइटर भी जलाते हो या गैस भी जलाते हो तो उसमें एक फ्लेम निकलती है, ठीक है, या आपने मोमबत्ती भी जलाते हो तो उसमें एक फ्लेम निकलती है ना। तो वैसे ही जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे वेल्डिंग टार्च के साथ साथ, वेल्डिंग टार्च के साथ साथ, पिलर रॉड के साथ साथ वहाँ पे फ्लेम का भी यूज किया। चलो, तो सभी लोग आगे हैं लाइव, आई थिंक तो क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कि आपने कल की क्लास देख रखी होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं तो भाई इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ही, है ना। चलो स्टार्ट करें फिर। बिल्कुल सही, आगे सभी लोग। तो आज हम जो इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं तो उसमें हम कवर ये करेंगे, एक तो हम फ्लेम के बारे में जान लेंगे, जैसे कल की हम आप कुछ फ्लेम के बारे में बताया था तो वहाँ पे रहता रह गया था टाइप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन फ्लेम के, जो आपकी गैस फ्लेम होती है उनके टाइप रह गए थे, ठीक है। तो हेडिंग एक प्यारी सी डालना है आपको यहाँ सबसे पहले, तो यहाँ से एक प्यारी सी हेडिंग आती है आपके लिए, यहाँ पर डाल लूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस, ठीक है, गैस फ्लेम, ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम इन बिल्डिंग, ठीक है, ये चीज़ आप डालना है आपको हेडिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कशन कर दिया था कि जब हम टाइप ऑफ ऑक्सीएसिटिलीन गैस फ्लेम की बात करते हैं, ठीक है, तो इसको अंदर रख लेना, हाँ थोड़ी सी राइटिंग को समझ लेना, ठीक है। चलो, तो जब हम अंदर की बात करते हैं तो हमारे पास तीन तरह की फ्लेम आती है, किसकी, तीन तरह का फ्लेम, कौन कौन सी, मैं इसके बारे में डिस्कशन करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है भैया कवराइजिंग फ्लेम, है ना, ये क्योंकि ये ना इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैं इसके बारे में क्यों जिक्र कर रहा हूँ। और भी फ्लेम होती हैं, जैसे आपने सुना होगा ऑक्सी एलपीजी गैस, ऑक्सी कूल गैस, ऑक्सी हाइड्रोजन गैस, है ना।
बट जो हम यूज करते हैं मोस्टली वो तीन फ्लेम आती हैं, और वो किसके टाइप होती हैं, वो होती हैं ऑक्सी एचलिंग फ्लेम के। अच्छा, ऑक्सी एचलिंग फ्लेम ऑक्सीम क्यों बोलते हैं, आपके माइंड में आता होगा सर ऑक्सी क्यों बोलते हैं, एचलिंग तो हमको पता है, ऑक्सी इसलिए बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन प्लस आपकी एचलिन से बनी होती है, ठीक है, तो हम इसलिए इसको बोल दिया ऑक्सी एचलिन गैस फ्लेम के बारे में, ठीक है। चलो, सबसे पहले आपके पास आती है कार्बराइजिंग फ्लेम, ठीक है, सबसे पहले जो टाइप होता है कार्बराइजिंग, ठीक है, कार्बराइजिंग फ्लेम या इसी को एक और नाम बोलते हैं, इसी के एक और प्यारा सा नाम होता है, जैसे मैंने आपको डिस्कशन किया था, इसी का एक प्यारा सा नाम होता है रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है, इसी का एक प्यारा सा नाम होता है रिड्यूसिंग फ्लेम के बारे में होता है, ठीक है। चलो, ये हम समझेंगे, बाकायदे इसका फिगर ड्रा करेंगे, इसके कितने टेम्परेचर होते हैं, कहाँ पे यूज होती है, सब कुछ हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। चलो आइए, दूसरा हम समझते हैं, दूसरा टाइप होता है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्लेम, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, नेचुरल फ्लेम बोलते हैं। अच्छा, नेचुरल फ्लेम को हम बैलेंस फ्लेम बोलते हैं, ठीक है, क्या बोला जाता है, नेचुरल फ्लेम को हम बैलेंस फ्लेम बोला जाता है, रुको एक मिनट, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, इसको हम बैलेंस्ड, ठीक है, बैलेंस फ्लेम बोलते हैं, समझ में। अच्छा, क्यों बोलते हैं, इसका भी रीजन होता है, इसका मैं आपको बताऊंगा, जो आपकी C2H2 या हम C2H2 अनुपात है, O2 का अनुपात जो होता है वो सेम होता है, समान होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम बैलेंस फ्लेम बोलते हैं, चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे चर्चा करेंगे इसके बारे में, आगे आ जाइए। और जो तीसरा होता है वो होती है हमारे लिए ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। इन जो तीन जो फ्लेम हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, क्लियर, बात समझ में आई ना, तो ये तीन फ्लेम के बारे में हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, इनका हम फिगर बनाएंगे, ड्रा करेंगे फिगर, तो हम आपको बहुत अच्छे से क्लियर करके समझाएंगे, और कहाँ से इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकलते हैं, कौन सी फ्लेम किन धातुओं पर यूज होती है, सब कुछ हम चर्चा करेंगे बाय बाय, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अभी, तो चलें स्टार्ट करें। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आती है, हाँ गुरुजी, शाम को कब क्लास चल रहा है? नायक जी, शाम को क्लास नहीं चल रहा है, जो भी क्लास चल रही है अभी यहीं पे चल रही है, ठीक है, ओके। चलो, मैंने बच्चों को कई बार बोला है चलती क्लास में कमेंट ना किया करिए, ठीक है, जो कि अच्छी बात नहीं है, चलती क्लास में कमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलो आइए, तो सबसे पहले मैं आपको टाइप डालता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपका जो टाइप डालने वाला हूँ नेचुरल फ्लेम का टाइप डालने वाला हूँ, ठीक है, और नेचुरल फ्लेम या इसी पे लिख दो इसको बैलेंस, ठीक है, इस पे लिख दो बैलेंस्ड फ्लेम, ठीक है, नेचुरल फ्लेम या इसको लिख दो बैलेंस फ्लेम। चलो, इसको नेचुरल फ्लेम या इसी को हम इसको बैलेंस फ्लेम बोलते हैं, क्लियर। सबसे पहले इसके जो इम्पोर्टेंट पहले इसके मैं एक फिगर ड्रा करना चाहता हूँ, जिससे कि आप ना कनेक्ट कर पाओ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जिससे कि आप इसको ना बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, क्योंकि इसका फिगर बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत आता है पेपर में, बहुत फिगर आता है इसका पेपर में, ठीक है। चलो, एक बार मैं बनाता हूँ, ठीक है, कुछ हद तक सही बना होगा, आई होप कि समझ में आ रहा होगा, ये क्या होती है, ये फ्लेम होती है, अभी इसमें चर्चा करूँगा, बहुत अच्छे से चर्चा करूँगा, बस एक बार फिगर, साथ ही साथ फिगर बनाते जाना, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, और एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है, ठीक है, ओके। चलो, हाँ ओके, तो इस जो फ्लेम दिख रही है आपको, अभी जो फ्लेम दिख रही है, इस फ्लेम का क्या नाम होता है, इस फ्लेम का नाम होता है नेचुरल फ्लेम।
डायरेक्ट पेपर में आता है और एक तो पहली बात तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से ये फिल्म बहुत अच्छी है। यहाँ से डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये आता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको आपको पता है ना, ये वाला इस देखो ये जो बाहरी बाहरी ये आउटर कोन होता है आपको पता है, ये इनर कोन होता है ना इस भाग को, ठीक है मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको इनर इनर कोन बोला जाता है, ठीक है इनर कोन बोला जाता है। और इनर कोन से ही हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी वो कौन सी फ्लेम होती है। अब देखो यहाँ पे इनर कोन बोला जाता है तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इससे आता है कि इनर कोन का शेप कैसे होता है, आपको दिख रहा होगा इसका शेप कैसे दिख रहा है आपको, कैसे शेप है भैया, थोड़ा सा लेंथी है, हाई लेंथी है, हाई लेंथ है और साथ ही साथ ये राउंड शेप में होती है, ठीक है। एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ के आया, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ ले इनर कोन का तो भैया इनर कोन अगर आपसे पूछे शेप कैसे होता है शेप, तो आप क्या बताओगे, राउंड होता है, ठीक है क्वेश्चन आ चुका है राउंड होता है। और कौन से कलर में होता है, तो ये वाइट कलर में होता है, ठीक है वाइट कलर देता है, ये चीज़ नोट कर लेना। अच्छा एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आता है, ये जो बाहरी कोन होता है ये वाला, ये जो फ्लेम जहाँ जल रही है ये ना नीले कलर का होता है, ठीक है नीला होता है, और नीला होता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो नीला बाहरी भाग होता है ये वाला, ठीक है नीला आपका अब बाहरी भाग होता है, ठीक है नीला आपका बाहरी भाग होता है जहाँ जो आप जलती है। आपने देखा होगा यार, आपने देखा होगा कि जब आपकी गैस वो जलती है ना तो आप ऊपरी जो बाहरी भाग होता है वो नीला होता है, ठीक है। अच्छा जो अंदर का भाग होता है वो जहाँ पे आप गैस एकदम हीट कर जाती है, जैसे आपने सुना होगा फोर्जिंग टेम्परेचर आपने पढ़ा होगा 1300 डिग्री सेल्सियस पे एकदम वाइट हो जाता है ना, अगर हम किसी भी धातु को मेल्ट करते हैं तब, है ना टेम्परेचर होता है ना कि भाई आपने 1300 डिग्री सेल्सियस पर अगर कोई धातु रखते हो तो वो पूरा वाइट हो जाती है ना। तो वैसे ही यहाँ जो इनर कोन क्यों, क्योंकि वाइट होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा आपका हीटिंग पोर्शन होता है, सबसे ज़्यादा यहीं पे पार्ट आपका हीट होता है, मतलब कि फ्लेम सबसे ज़्यादा यहीं पर आपकी हीट होती है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये इनर कोन बाहरी आपका नीला होता है, जैसे आपने नॉर्मली गैस देखी होगी है ना, देख जल्दी मोमबत्ती देखो ऊपर के भाग नीला नीला होता है, गैस देख लो अपनी घर की है ना, तो वो भी तो नीला होता है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं, पहले ये बताओ क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। कलर मैंने आपको बता दिया, थोड़ा ये लेंथ, हाँ एक क्वेश्चन और आता है कभी कभी आपसे पूछा गया कि तीनों फ्लेम में, जैसे आपका कार्बराइजिंग फ्लेम होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगा, नेट्रो फ्लेम होगा, तीनों फ्लेम में सबसे ज़्यादा कोन की लंबाई किसकी होती है, तो दिस, ठीक है आपसे यहाँ पूछ ले सेफ राउंड वाइट इनर कोन, तो भैया इसकी क्या होती है लेंथ, ठीक है हाई लेंथ होती है, आप ऐसे लिख सकते हो यहाँ पे कि हाई लेंथ, ठीक है हाई लेंथ होती है किसकी इनर कोन की, ठीक है हाई लेंथ होती है आपकी इनर कोन की, ये चीज़ नोट कर लो। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आप हाईलाइटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको लिखाने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में भी यहाँ पे साथ ही साथ लिखते जाना, ठीक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपके एग्ज़ाम के, ठीक है एग्ज़ाम के, यहाँ पे नोट डाल के लिख लो, नोट यहाँ पे डालो और लिखते चले जाओ, ठीक है क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से अभी तक पेपर में बने हैं, क्या क्या क्वेश्चन। पहला आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इसको नेट्रो फिल्म को बैलेंसिंग फिल्म बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है सबसे पहला आपसे यहाँ पे पूछा जाता है इसका रेशियो कितना होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा भैया इसका रेशियो कितना होता है, तो आपको एक नंबर आप यहाँ से क्वेश्चन आप बता सकते हो इसका रेशियो कितना होता है। देखो अगर आपसे कभी पूछे कि भैया इसका रेशियो कितना होता है, रेशियो का मतलब क्या होता है कि भैया आपकी ऑक्सीजन और एस्टलीन की मात्रा कितनी होती है, मतलब कि C2 और H2 अनुपाते O2 की मात्रा कितनी होती है, तो वो होती है भैया वो कितनी होती है, वो होती है एक अनुपाते एक, तभी तो इसका नाम पड़ गया बैलेंसिंग फ्लेम, मतलब कि जो आपका ऑक्सीजन एस्टलीन की मात्रा, मतलब C2H2 अनुपाते O2 का जो मान होता है वो एक अनुपाते एक होता है, तभी इसका नाम बैलेंस फ्लेम पड़ गया क्योंकि बैलेंस करके चलती है, यूज होती है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपसे, दूसरा यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये क्वेश्चन आ जाता है आपसे, पॉइंट टू पॉइंट लिखते जाओ, दूसरा पॉइंट ये जाता है कभी भी आपसे पूछे कि भैया जो आपका ये नेट्रो फ्लेम है बैलेंसिंग फ्लेम ये कौन सा साउंड उत्पन्न करती है, जैसे आपको वेल्डिंग आपने कभी की होगी तो जैसे ही आपकी ऑक्सीजन एस्टलीन फीडर में जब आप इकट्ठा होती है, जब चिंगारी छोड़ती है तो वो एक साउंड उत्पन्न करती है,
देखा होगा बहुत तेज, आपने देखा होगा ना कि मतलब कि जब आप वेल्डिंग टॉर्च से करते हो तो एक साउंड उत्पन्न होता है, तो वहाँ पे कौन सा साउंड उत्पन्न होता है? हीजिंग साउंड उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे डाल लो कौन सा, हीजिंग, हीजिंग साउंड। ठीक है, हीजिंग साउंड उत्पन्न होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है, और तीसरा जो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भैया इसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना होता है ये आपसे क्वेश्चन पूछे, तो भैया 3200 डिग्री सेल्सियस होता है ये क्वेश्चन आ जाता है। और यहाँ से नेक्स्ट आपसे इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट पूछा जाता है कि मान लो कि आपका जो नेट्रो फ्लेम होता है या हम क्या कहते हैं बैलेंसिंग फ्लेम, ये किन किन धातुओं पर किला जाता है। तो आपकी मैं डायरेक्ट आपको बताना चाहता हूँ जो आपके फेरस मेटल होते हैं। ठीक है, फेरस मेटल कौन कौन से होते हैं, जैसे आपकी जो फेरस मेटल होते हैं, ठीक है, फेरस मेटल कौन कौन से, फेरस मेटल बोले तो आपका जैसे कि एग्जांपल के अगर मैं समझाऊँ फेरस मेटल कौन कौन से, जैसे आपने सुना होगा भैया यहाँ पे एग्जांपल में कास्ट आयरन सुना होगा, है ना, कास्ट आयरन हो गया, माइन स्टील हो गया, स्टेनलेस स्टील हो गया, कास्ट आयरन, माइन स्टील, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कॉपर में भी कर सकते हो, हाँ कॉपर में भी कर सकते हो, नहीं कॉपर तो नहीं कर सकते क्योंकि ये फेरस होती है, मगर मोस्टली इससे कर सकते हो, कॉपर का तब कर सकते हो जब उसमें एश्लिन की मात्रा ज़्यादा होती है तब कर पाओगे, ठीक है, अन्यथा नहीं कर पाओगे, ये चीज नोट कर लो। ओके, तो क्या भैया कास्ट आयरन, माइन स्टील, स्टेनलेस स्टील, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो आपकी केस हार्डनिंग होती है, केस हार्डनिंग। ठीक है, अच्छा कौन सी केस हार्डनिंग, ये मैं आपको चर्चा कर देता हूँ। केस हार्डनिंग में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, केस हार्डनिंग में आपने फ्लेम हार्डनिंग पढ़ी होगी। ठीक है, फ्लेम हार्डनिंग, तो भैया फ्लेम हार्डनिंग भी आपकी क्या कार्बराइजिंग नेट्रो फ्लेम का यूज किया जाता है, फ्लेम हार्डनिंग सुनी होगी ना वहाँ पे। या आपने एक चीज़ सुना होगा प्री हीटिंग, ठीक है, प्री एंड पोस्ट हीटिंग। ठीक है, दो वर्ड सुने होंगे, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग, है ना। अच्छा, प्री हीटिंग एंड पोस्ट हीटिंग का मतलब मैं बता दूं, देखो प्री हीटिंग का मतलब क्या होता है, वेल्डिंग करने से पहले धातु पर, ठीक है, प्री हीटिंग की जाती है मतलब कि, और पोस्ट हीटिंग का मतलब होता है वेल्डिंग करने के बाद। अब प्री हीटिंग पोस्ट हीटिंग का इसलिए करते हैं मेटल पे क्योंकि वो डिस्टॉर्जन से, मतलब कि डिस्टॉर्जन से कम करता है, डिस्टॉर्जन से कम करता है मतलब टूटने उठने से, क्रैकनेक से। ठीक है, क्रैक नहीं होते जो पार्ट्स, कभी कभी देखा होगा आपने वेल्डिंग कर दिया तो क्रैक हो जाते हैं पार्ट। ठीक है, डिस्टॉर्जन से कम होता मतलब प्री हीटिंग वेल्डिंग करने से पहले, पोस्ट हीटिंग वेल्डिंग करने के बाद, किस लिए, डिस्टॉर्जन को कम करने के लिए, जिससे कि आपका पार्ट क्रैक ना हो, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। ठीक है, और एक और नोट करके मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे ये लिखाया है कि भैया इसमें ऑक्सीजन एश्लिन की मात्रा बराबर होती है, जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया होगा कि ऑक्सीजन एश्लिन की मात्रा जैसे आपको एक अनुपात एक में आपकी बराबर होती है, मतलब C2H2 अनुपात O2 का मान बराबर होता है। ठीक है, ये बात समझ में आएगी नहीं, पहले मुझे ये बता दो, यहाँ तक सभी लोग समझ में आया कि नहीं। अगर कभी भी आपसे पूछ ले सबसे ज़्यादा किस फ्लेम का यूज किया जाता है, तो दिस फ्लेम, क्योंकि केस हार्डनिंग में आपकी फ्लेम हार्डनिंग सुनी होगी, तो उसकी भी आपकी फ्लेम नेट्रो फ्लेम बैलेंसिंग फ्लेम से जो आपकी फ्लेम गिरती है हार्ड करने को पार्ट, क्योंकि आप यहाँ से एक क्वेश्चन और निकाल सकते हो, आपसे कभी पूछ ले भैया पार्ट को हार्ड करना है किस फ्लेम का यूज करते हैं, डायरेक्ट पेपर में आता है, तो आप क्या बताओगे, भैया वहाँ पे हम नेट्रो फ्लेम का या बैलेंसिंग फ्लेम का यूज करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लो, सबसे ज़्यादा, ठीक है, मोस्टली सबसे ज़्यादा इस फ्लेम, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस फ्लेम का यूज, ठीक है, सबसे ज़्यादा इस फ्लेम का यूज किया जाता है, एक नंबर का आपको क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है और कहाँ से कहाँ से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। बताओ यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को, और इससे आपको अभी तक इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे इससे ज़्यादा। बस कहाँ कितने क्वेश्चंस बनेंगे, बाहरी भाग नीला होता है भाई, इनर कोन सेफ राउंड होता है, वाइट होता है, आपसे कभी भी पूछ लीजिए भैया सबसे ज़्यादा किसकी लेंथ होती है, कौन सी इनर कोन की, तो दिस इनर कोन की, क्योंकि राउंड शेप में होता है और हाईली लेंथ में होता है। ठीक है, अगर आपने इसका कभी भी बुक में या कहीं भी नेट में नेचुरल जो नॉर्मली फिगर देखा होगा तो कुछ आपका ऐसे ही बनेगा। क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आएगी कि नहीं, पहले मुझे ये बता दो सभी लोग। ओके, हाँ ठीक है,
बिल्कुल सही। हाँ देखो, एक मैंने आपको एक चीज़ बताया था, जैसे आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे कौन देखते हो, है ना, क्योंकि आप अभी मैं जो जैसे ही फिगर फिगर ड्रा करूँगा तो आपको ऐसे लगेगा कि सभी जो फ्लेम होती हैं वो सेम होती हैं, बट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। देखो, एक तो मैंने आपको यहाँ से बताया था इनर कौन से हम किसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये दिस फ्लेम है, ये दिस फ्लेम है, ये दिस फ्लेम है। कैसे, जैसे यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कभी कभी, कभी भी आपसे यहाँ पे कौन पूछे, ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख दो कि इसमें कौन कौन या जोन, ठीक है, एक ही बात है, कौन या जोन कितने होते हैं तो आप बताओगे दो, ठीक है। देखो कैसे कैसे, एक और दो, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा कौन सा क्या कहते हैं फ्लेम होती है, ठीक है, किससे, इनर कौन से। बाकी तो आप सेफ देख के, बाकी जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं वो चीज़ मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया। क्लियर, आगे चले, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं आगे, आगे की बात करते हैं, ठीक है, चलो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते। अब दूसरी हेडिंग डाल लो यहाँ पे, दूसरी हेडिंग, क्योंकि दूसरी हेडिंग भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, भैया तो आप राइजिंग फ्लेम या हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है, दूसरा आपकी जो फ्लेम होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरी जो हेडिंग डाल लो यहाँ पे, काव राइजिंग, ठीक है, काव राइजिंग फ्लेम, या हम इसको रिड्यूसिंग फ्लेम बोल सकते हैं, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम, ठीक है, रिड्यूसिंग फ्लेम। अच्छा, अब यहाँ से क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसके बारे में समझ लो, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले आपको ना इसका फिगर आपको बनाना चाहिए, ठीक है, सबसे पहले आपको इसका ना फिगर ड्रा करना है, आपको सबसे पहले सबसे काम जो होता है, सबसे पहले आपको इसका फिगर आपको आना चाहिए बनाना, ठीक है, चलो ओके चलो। तो फिगर कैसे, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का, सबसे पहले आप इसका ना फिगर बना लो, फिगर बना लो, ठीक है। ठीक है, ये जो बीच वाला है ना, थोड़ा सा इसको अंदर कर लो, ठीक है, इसको ना ऐसे मिला दो, और ये भाई साहब ये यहाँ से, ठीक है, चलो उसके बाद ये, कल मैं एक आपको फिगर बनाया था, याद है कि नहीं, तो वो कुछ ऐसे ही था ना, कुछ ऐसे ही था, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है ना, चलो अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं सर, ये भी बता दूँ, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी बताता हूँ, छोड़ूंगा कुछ नहीं, बताओ, एक एक को आप पोस्टमार्टम कर दूंगा। अगर मैं आपको वेल्डिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वेल्डिंग आपको ना इंटरेस्टिंग बना दूँ, आप फिटर से हो तब भी से, और ऐसा ना सोचो कि सर अरे हम वेल्डिंग देख के नहीं जाएंगे, या जान लो पेपर से बाहर हो जाओगे, क्योंकि वेल्डिंग के क्वेश्चंस आजकल आने लगे हैं, ये चीज़ नोट कर लो, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है भैया कि भैया इनर कोन कैसा होना चाहिए, ठीक है, इनर कोन। देखो मैंने आपको देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा गौर करना, फिगर हो सकता है 19-20 आगे पीछे हो जाए, ऐसा ना समझ लेना कि सर अभी जो आपने फिगर बनाया तो इसका कोण आपने ऐसा छोटा बना दिया, ठीक है, ऐसे, क्योंकि फिगर है, हो जाता है छोटा बड़ा हो जाता है, मगर जो लिखूंगा वो चीज़ आपको समझना है, बट ठीक है। देखो, इनर कोण इसको कहते हैं इनर कोण, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्या बोलते हैं भैया, इनर कोण। अच्छा, आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनर कोण का साइज कैसा होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो, इनर कोन का साइज कैसे होता है, सबसे पहले इसका साइज कैसे होता है, तो आप क्या बताओगे, साइज इसका होता है मीडियम, ठीक है, मीडियम होता है, वो तो हाई लेंथ में था, मीडियम होता है। शेप अगर पूछे, शेप कैसे होता है, शेप तो राउंड होता है, और राउंड, और कलर पूछे तो वाइट ही होता है, ठीक है, कलर पूछे तो वाइट ही होता है। क्लियर, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपसे, एक नंबर। और मैं आपको यहाँ पे नोट्स लिखाने चल रहा हूँ, तो इसके बारे में गौर करना, नोट्स
डार्ट में आपको लिखाने चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं और एक प्यारा सा क्वेश्चन निकल के आता है। सबसे पहले आपसे ये पूछा जाता है कि भैया इसका रेशियो कितना होता है। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन एसिटिलीन जब आपको उसमें मिलते हैं तभी हम डिसाइड कर पाते हैं कि उसमें एसिटिलीन की मात्रा कितनी है या ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है या कौन सी फ्लेम होती है। ठीक है, चलो तो रेशियो कितना होता है, सबसे पहले आपसे यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे कभी भी पूछ ले कि रेशियो कितना है, रेशियो, तो आप क्या बताओगे भैया रेशियो? जैसे आपने उसमें देखा था C2H2, और C2H2 अनुपात O2 का अनुपात 1:1 था, है ना? तो वैसे ही यहाँ पे आप कर आपसे रेशियो पूछ लो तो भैया C2, ठीक है, C2H2 अनुपात O2 का अनुपात होता है वो होगा भैया आपका कितना, वो होता है 2:1 का। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में आ जाता है भाई साहब, इसलिए इसको बहुत अच्छे से गौर करके समझ करके लिखना है। ठीक है, चलो आगे आपसे क्वेश्चन और क्या पूछा जाता है। यहाँ से आगे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया इसमें कोण और जोन कैसे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, उसमें कितने थे, एक, उसमें कितने थे, दो, कैसे जैसे आइडेंटिफाई किया भैया एक और दो, और इसमें कितने हैं, एक, दो, तीन है। तो अगर मैं कोण बोल दूँ, एक ही बात है, अगर मैं आपको यहाँ पे कोण बोल दूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे जोन बोल दूँ, तो मतलब तीन होते हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते। देखो फिगर तो आपको ऐसे लग रहा है सेम होगा ना, बस हम इससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वो कौन सा, क्या कहते हैं, कौन सा है आपका। ठीक है, ये चीज नोट कर लेना। ओके चलो नेक्स्ट बात। अच्छा, ये यूज कहाँ की जाती है, ये आपसे बात आती है कि यूज कहाँ करते हैं। यूज तो इसका यूज करते हैं जो आपकी हाई कार्बन स्टील धातु होती है, हाई कार्बन स्टील या एंड अलाय स्टील। ठीक है, अलाय स्टील पे कर सकते हैं, वो चाहे आपकी कोई भी स्टील हो, चाहे एल्युमिनियम स्टील हो, वो कोई भी स्टील हो, XYZ। अलाय का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण। अब आप कितनी भी, जो भी आपकी अलाय स्टील होती हैं, वो सभी पे हम इस कार्बराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम का यूज करते हैं, ये चीज़ नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जाता है, आपसे एक प्यारा सा क्वेश्चन ये आता है कि इसका टेम्परेचर कितना होता है, टेम्परेचर कितना होता है, तो आप क्या बताओगे, 3100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे आपको मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था, इसका 3200 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आप इसका टेम्परेचर तो सभी बच्चों को मालूम होता है, बट और जो पॉइंट्स होते हैं वो चीज़ आपको यहाँ पे मालूम नहीं होता है। ठीक है, चलो इसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, नोट करके नेक्स्ट पॉइंट एक लिख लो यहाँ पे कि इसमें एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन की मात्रा, ठीक है, एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। अच्छा, आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फ्लेम होती है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आप क्या बताना, आप बताना भैया कार्बराइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में सबसे ज़्यादा आपकी एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें कौन सा साउंड उत्पन्न होता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको वहाँ साउंड उत्पन्न का तात्पर्य क्या होता है, जब हम इस फ्लेम का यूज करते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई चिंगारी जो निकलती है तो वो साउंड उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसमें कोई भी साउंड उत्पन्न नहीं होता। सबसे प्यारा सा क्वेश्चन ये आता है, आया चुका है कि इसमें नो साउंड कोई भी साउंड आपका उत्पन्न नहीं होता। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और अभी तक इतने सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन है। एसिटिलीन की मात्रा किसमें होती है, ये डायरेक्ट, रेशियो क्या होता है, कोण कितने होते हैं, किस धातु की जाती है, टेम्परेचर कितना होता है, और दिस फिगर, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, समझ में ही बात। दूसरा और लास्ट जो फ्लेम बताने वाला हूँ, लास्ट देखो, पहला तो ये हो गया, ठीक है, दूसरा ये हो गया, ठीक है, अब तीसरा चलते हैं। तीसरा मैं आपको बताना देना चाहता हूँ, जिस फ्लेम का क्या नाम होता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। चलो अब इसका भी फिगर बनाते हैं, क्योंकि इसका भी फिगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और एक नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, चलो इसका भी फिगर देखते हैं। देखो फिगर इसका कैसे बनेगा, डायरेक्ट आपको पेपर में आता है,
नॉर्मली होता है, ठीक है, ये ऐसे बनता है, ठीक है। इसका थोड़ा सा फिगर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये हमारा होता है भैया, ये होता है हमारा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके, प्यारे प्यारे से निकल के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बताता हूँ कैसे क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं यहां से, है ना। चलो देखो, सबसे पहले आपसे यहां से क्वेश्चंस नोट करके पॉइंट ये लिखना, इसके बारे में नोट करके पॉइंट ये लिखना कि फिगर तो देख ली, फिगर कैसे हैं, फिगर कैसे क्वेश्चंस आते हैं फिगर से, ठीक है। सबसे पहले आपसे कभी भी पूछे कि भैया इसका रेशियो कितना होता है, तो हर एक फ्लेम का रेशियो होता है, हर एक फ्लेम का रेशियो होता है, ठीक है, ये चीज नोट करना। तो इसका अगर कभी भी आपसे पूछे रेशियो का मान कितना होता है, ठीक है, रेशियो कितना होता है, तो सबसे पहले आप क्या बताओगे भैया, अगर इसका रेशियो आपसे पूछे कि भैया रेशियो कितना रखा जाता है, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो का अनुपात अगर पूछे आपसे, तो भैया डायरेक्ट आप बताओगे C2 O2 + C2, मतलब कि सीधा सीधा O2 अनुपात है, C2H2 का अनुपात कितना होता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन आ जाए कि भैया 2:1 का होता है, ठीक है, 2:1 का होता है इसका रेशियो, किसका, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम का, ठीक है, नोट करते जाना सारे पॉइंट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, अगर टेम्परेचर पूछे कि भैया टेम्परेचर कितना होता है, तो भैया 3300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कितना 3300 डिग्री सेल्सियस होता है टेम्परेचर। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि भैया इसमें कोन या जोन कितने होते हैं, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम इसमें दो होते हैं, देखो ध्यान से, ये रहा एक और दो, दो ही होते हैं, एक और दो, दो ही जोन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछता है यहाँ से कि इसका कौन सी धातु, मतलब कौन से मटेरियल पे यूज की जाती है, अगर आपसे डायरेक्ट पूछ ले, तो भैया यूज हम कहाँ करते हैं, यूज करते हैं हम जो आपकी ब्रास मेटल होते हैं, ठीक है, जो ब्रास होते हैं, ब्रास एंड जो आपका ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज जो आपका ब्रास एंड ब्रोंज धातु होते हैं, कांसा जिसको बोलते हैं हिंदी में, वहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। डायरेक्ट आपसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, आप लिख सकते हो उसमें ऑक्सीजन, आपसे क्वेश्चन ये आ चुका है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जैसे आप देख सकते हो, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ, अब ये कौन सा साउंड उत्पन्न करती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि भैया कौन सा साउंड उत्पन्न करती है, तो आप यहाँ बता दो रोरिंग, ठीक है, रोरिंग, ठीक है, जो दहाड़ता नहीं, रोरिंग साउंड, और रोरिंग साउंड उत्पन्न करती है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखो कैसे क्वेश्चन बनता है, कितना अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया, अगर आप डीपली नहीं पढ़ोगे ना, तो यकीन मानिए कभी भी आप फिर एग्जाम क्वालिफाई नहीं करोगे। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि ऐसी कौन सा फ्लेम है जिसका भीतरी कोन, इनर कोन बहुत ही नुकीला होता है। देखो पूछने का कोई है जाइस फिगर, इसलिए मैं आपको फिगर बता रहा हूँ। तो इसका जो ये ना, इसका लिख लो यहाँ पे पॉइंट करके भाई, यहाँ पे पॉइंट करके लिख लो कि भैया इसका भीतरी कोन नुकीला बोले तो यहाँ पे सार्फ, ठीक है, सार्फ होता है। बताओ कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा था, ऐसे कौन सा मतलब कि फ्लेम होता है जिसका भीतरी कोन बहुत ही नुकीला होता है, दिस कोन, डायरेक्ट कौन सा साउंड, दिस रोइंग साउंड। ऑक्सीजन की मात्रा किस फ्लेम में ज़्यादा होती है, दिस आपका ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ब्रास और ब्रोंज पे हमें क्या कहते हैं, कौन सी फ्लेम यूज करनी है, दिस ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ये डायरेक्ट क्वेश्चन हैं आपके, डायरेक्ट पेपर में बन के आते हैं, ठीक है। चलो तो ये तीनों फ्लेम के बारे में था, तीनों फ्लेम मैंने आपको बता दिया है। अब किसी को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो कमेंट करके पूछे पहले, ठीक है। चलो ये तीनों फ्लेम के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी है, जो कि ये तीनों फ्लेम आपसे पूछी जाती हैं, चाहे वो टेम्परेचर को लेकर हो, चाहे वो इसका फिगर हो, चाहे इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, ठीक है। तो ये तीनों के फ्लेम के बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब किसी बच्चे को पहले कुछ भी डाउट हो तो वो पूछ लें, फिर नहीं तो आगे की क्लास कंटिन्यू करते हैं। चलो बताओ,
ठीक है। अभी तक किसी को कुछ भी डाउट? चलिए उसके बाद हम कल हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट वार्ड बिल्डिंग, राइट वार्ड बिल्डिंग, और कुछ हम उसके वेल्डिंग के टेक्निक्स भी समझेंगे, है ना। वेल्डिंग के टेक्निक्स या वेल्डिंग के पोजीशंस, किस पे ज़्यादा आसान वेल्डिंग होती है, तो मैं वही टॉपिक टच कर रहा हूँ जो कि फिटर मशीन स्टैंडर्ड के आने वाला है। वेल्डर में आपको बना दूँ बट नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आपको पढ़ना उतना है जो कि आपके पेपर में आना है, ठीक है। चलो बताइए, अगर यहां तक बात समझ में आई हो तो चलें फिर थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक से उसके बारे में भी मैं आपको चर्चा कर देता हूं, ठीक है। आई होप कि क्लियर समझ में आ गया। अब आते हैं थोड़ा सा, जब बार बार मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ भैया एसलीन सिलेंडर, है ना, एसलीन गैस या ऑक्सीजन गैस, तो थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लें। जो आपके सिलेंडर्स होते हैं, है ना, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भैया सिलेंडर्स क्या होते हैं। हाँ, की पॉइंट्स क्या हैं, की पॉइंट्स देखो क्या हैं। सबसे पहले आपका की पॉइंट्स यार इस फ्लेम के बारे में, ठीक है। हाईलाइटेड पॉइंट्स, की पॉइंट्स मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, अभी तो क्लास ख़त्म नहीं हुई है, है ना, तो क्यों बताऊँ अभी, बताओ, अच्छी बात है। चलो तो सिलेंडर्स के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक जैसे फ्लेम हमने पढ़ लिया आज, बताओ फ्लेम पढ़ने में इतना चीज लगा, जब हम वेल्डिंग टार्च पे आ जाएंगे या ब्लो पाइप पे आ जाएंगे तो उसको भी पढ़ेंगे, फिर अभी हम सिलेंडर के बारे में पढ़ लेंगे, गैस होस पाइप क्या होता है, सब कुछ। अगर इनके बारे में आपने सब कुछ अच्छे से समझ लिया ना, तो यकीन मानिए आप एक क्या कहते हैं नॉर्मल वेल्डर तो बन ही जाओगे, है ना। कौन से फ्लेम, किस धातु फ्लेम कहाँ पर यूज की जाती है ना। चलो सबसे पहले आपको यहाँ पे चर्चा करते हैं, यहाँ पे आपको सिलेंडर दिख रहे होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, आपको पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आपकी वेल्डिंग का एक मतलब डायग्राम्स होता है गैस वेल्डिंग का, वैसे ये डायग्राम आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम एक्स भाग मान लेते हैं, इसको हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। अगर नहीं समझ दिख रहा है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये एक्स है, ये है वाई, क्लियर। अच्छा, क्यों मानते हैं अभी चर्चा करते हैं। देखो तो सबसे पहले आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा नोट करते चले जाओ पॉइंट। पहले हम बात करते हैं, किस बात करते हैं, एसलीन सिलेंडर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चल तो यहां पे आप डाल लो पहला एसलीन, ठीक है। एसलीन सिलेंडर के बारे में हम बात करते हैं, डायरेक्ट जो क्वेश्चन आ जाता है एसलीन और सिलेंडर, ठीक है, एसलीन सिलेंडर के बारे में बात करते हैं। चलो देखो क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी देख के यहाँ समझ में आ रहा हो, ठीक है, देखो ध्यान से, तो कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। आपसे एक यूपी आरएमएल में एक प्यारा सा क्वेश्चन आया था, ये पूछा था कि क्रमशः एक्स और वाई का नाम बताओ, तो उसमें एसलीन ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आर्गन ऐसे दे रखा था। तो हम कैसे, देखो आप यहाँ से आइडेंटिफाई जरूरफाई कर लोगे कि सर ये रेड था है एसलीन सिलेंडर या मैरून भी होता है या ब्लैक, तो भैया आप बता दोगे, है ना, ये पूरा बता दोगे, ये यहाँ पे बता दोगे। मगर जब यहाँ की बात करता हूँ, अगर मैं पूछूँ तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे। देखो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका आपको कौन सा है, एक तो हम कलर से आइडेंटिफाई कर लोगे बिल्कुल, जो कि आप यहाँ से बता सकते हो कि भाई ब्लैक हुआ तो वो हमारे लिए ऑक्सीजन हो जाता है, अगर वो क्या कहते हैं मेहरून हुआ या रेड हुआ तो वो हमारे लिए क्या एसलीन सिलेंडर हो जाता है, बिल्कुल बता दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब यहाँ ऐसे फिगर आते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, तो हम कैसे बताओगे, तो आपको सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है, सबसे उससे पहले आप यहाँ पे इसका देखोगे कि लंबाई जिस सिलेंडर की ज़्यादा होती है, दोनों सिलेंडर रखें, ठीक है, लंबाई अगर आपकी ज़्यादा है तो वो हमारे लिए क्या ऑक्सीजन सिलेंडर होता है, और डाया कम है तो वो भी हमारे लिए ऑक्सीजन, क्योंकि देखो लंबाई ज़्यादा है ना और डाया इसका कम है तो हमारे लिए क्या हो, ये होता है हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग टू द जो उसके वाल पे थ्रेड कटी होती है, जैसे राइट हैंड थ्रेड कटी होती है आपके ऑक्सीजन सिलेंडर पे, आपने पढ़ रखा होगा, है ना, वैसे लंबाई कम है डाया ज़्यादा है, ठीक है, लंबाई कम डाया ज़्यादा तो हमारे लिए क्या एसलीन सिलेंडर होता है, ओके। बाकी इसमें आप प्रेशर क्षमता क्या होती है, भंडारण क्षमता, उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लो मटेरियल,
तो सबसे पहले आपसे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भैया मटेरियल क्या होता है। मटेरियल आपसे कभी भी पूछ ले कि भैया मटेरियल किस मटेरियल से बना होता है, तो आप क्या बताओगे भैया? तो ये बना होता है अलॉय स्टील से। ठीक है, किससे? अलॉय स्टील से बना होता है, ये बना होता है अलॉय स्टील से। चल ठीक है सर, आपने ये बता दिया। दूसरा कलर कौन सा? एशली सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, ये रहा। ठीक है, कैसे जाने सर आपने? भैया लंबाई कम है, डाया ज़्यादा है। ठीक है, कलर कौन सा होता है? आपसे कभी पूछ ले भैया कलर, तो कलर भैया इसका मेहरून होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है इसका? मेहरून, मेहरून कलर का होता है, कलर होता है मेहरून कलर होता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी थ्रेड कटी होती है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि थ्रेड, थ्रेड कौन सी होती है, तो आप क्या बताओगे भैया? आप बताओगे लेफ्ट हैंड आपकी थ्रेड काटी जाती है। ठीक है, ध्यान से, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, ध्यान रखना। दूसरा आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि लंबाई कम, ठीक है, बिल्कुल लंबाई कम डाया ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या पूछे? अगर आपसे पूछे कि भैया लंबाई, जो लंबाई होती है वो क्या होती है? कम। ठीक है, बट, ठीक है, बट डाया क्या होता है? जो इसका डाया होता है, डाया होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, जिससे हम देख के हम बता सकते हैं कौन सा सिलेंडर कौन सा नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, यहाँ से प्यारा सा क्वेश्चन ये पूछेगा कि भैया इसकी प्रेशर क्षमता क्या होती है। ठीक है, इसमें प्रेशर बोले तो इसमें दाब कितना होता है, प्रेशर कितना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आता है प्रेशर कितना होता है। ठीक है, बोले तो दाब, यहाँ लिख लो प्रेशर या दाब। ठीक है, दाब कितना होता है, डायरेक्ट पेपर में एक नंबर क्वेश्चन यहाँ से बन के आ जाता है। तो आप क्या बताओगे? 15 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 16 से लेकर, ठीक है, 15 से लेकर आप 16 तक मान सकते हो, एक स्टैंडर्ड में आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 15 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर होती है, एक नंबर का यहाँ से क्वेश्चन बन के आ जाता है। और इससे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपसे नहीं बनते हैं, बस इतने ही आता है जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्लियर, बात समझ में? जाए प्रेशर, दाब, क्षमता, ये चीज़ आ चुका है पेपर में, ये चीज़ भी आ चुका है, ये चीज़ भी, सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, ये हो गया किसके लिए? ये हो गया आपके आपके इस दिस सिलेंडर के लिए। चलो आगे देखते हैं, आगे मैं आपको बात करता हूँ। देखो अब एस्टलिन सिलेंडर की बात करते हैं, एस्टलिन और ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में आप पूरा हाइलाइटेड पॉइंट लिखते जाओ। सबसे पहले आपसे यहाँ से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, इसका मैं यहाँ पे लिख दूँ, यहाँ पे बना देता हूँ, इसका नाम क्या हो गया? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सबसे पहले आपका इसका। अगर आपसे कलर पूछे कि कलर कौन सा होता है, तो आप क्या बताओगे यहाँ भाई साहब? आप बताओगे ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक कलर का होता है। थ्रेड कौन सी कटी होती है? अगर आपसे कभी ब्लैक होता है और थ्रेड पूछे, तो भैया राइट हैंड आपकी थ्रेड कटी होती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रेशर क्षमता कितनी होती है, तो भैया 120 से लेकर 150 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और भंडारण क्षमता अगर पूछ ले, भंडारण क्षमता अगर आपसे पूछ ले, भंडारण, ठीक है, भंडारण क्षमता पूछ ले, ठीक है, भंडारण क्षमता पूछ ले, तो आप क्या बताओगे? वो होता है 7 मीटर क्यूब होता है। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है अगर आपसे भंडारण क्षमता। हाँ, थ्रेड क्या है? थ्रेड क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। थ्रेड मतलब क्या होता है? जो इसके वाल्व लगे होते हैं, जहाँ यहाँ पे वाल्व, अभी मैंने आपको वाल्व पढ़ाया नहीं, वाल मैं आपको तब पढ़ाऊंगा जब मैं आपको वेल्डिंग के टूल्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, उसमें आपके वेल्डिंग के टूल्स, टॉर्च आ जाते हैं, वाल्व आ जाते हैं, होस पाइप आ जाते हैं, ठीक है, रेगुलेटर आ जाते हैं, वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपकी थ्रेड्स कटी होती है ना यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो वो कौन सी थ्रेड कटी होती है, उसकी बात कर रहा है आपकी। ठीक है, ओके, हाँ बिल्कुल सही, कन्फ्यूज हो गए होंगे भाई वाल्व क्या होती है, बार बार सर बोल रहे हैं, तो ये समझ में आए कि नहीं भैया? अगर आपसे पूछे कि लंबाई क्या होती है, लंबाई अगर आपसे पूछे कि भैया लंबाई क्या है, अगर आपसे कोई भी पूछे लेंथ, लेंथ क्या होती है? ज़्यादा,
और डाया क्या होता है, डाया क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लियर। ओके अखिल नैनी जी, समझ में आई बात। चलो कुछ और इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पॉइंट यहाँ से ये नोट कर लो, क्योंकि ये भी आपसे क्वेश्चंस आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखो, आइडेंटिफाई द गैस सिलेंडर, जैसे मैंने आपको दो सिलेंडर के बारे में मैंने आपको चर्चा कर दी, बाकी तो और सिलेंडर्स होते हैं बट उनका फिगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है जितना आपके इन दो फिगर के बारे में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो आप यहाँ पे जान लो, ऑक्सीजन से पूछे कभी तो भैया मेहरून का ब्लैक होता है और राइट हैंड थ्रेड कटी होती है। एस्टलीन के सिलेंडर के बारे में मैंने आपको चर्चा कर रखी है, भैया एस्टलीन सिलेंडर भी आपका मेहरून होता है लेफ्ट हैंड। जैसे और हो, जैसे प्रोपेन हो गया, ऑर्गन हो गया, भैया कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, तो सारे सिलेंडर का कलर कोड और उसमें कौन कौन सी थ्रेड कटी होती हैं, उसके वाल के स्पिंडर पर कौन कौन सी थ्रेड कटी होती हैं, बस इतना आपको समझना है आज की, ठीक है। बस यही है हमारा टॉपिक जो कि आपसे आता ही आता है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और बन के आते हैं, कभी कभी जो गैस फ्लेम होती है ना उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ जाता है। डिफेक्ट्स कैसे आ जाता है, देखो डिफेक्ट क्या आता है कि फ्लेम का टूटना, अगर फ्लेम का टूटना का मतलब क्या होता है कि आपकी जो फ्लेम चल रही है वो बार बार बीच बीच में ब्रेक हो जा रही है, सही से जल नहीं रही है, तो क्या उसको बोलते हैं फ्लेम का टूटना, ठीक है। तो गैस का दबाव अधिक होने पर कारण फ्लेम बार बार टूटती है तथा टॉर्च की टिप से अधिक लंबाई जलती है, ठीक है। तो ये होता है आपका पहला कारण, ठीक है। दूसरा कारण आपसे यहाँ पूछा जाता है बैक फायर होना, तो बैक फायर किस लिए होता है कि टिप में अधिक गर्म होने या टिप के जॉब पे अत्यधिक समीप होने पर फ्लेम तेज आवाज के साथ बंद हो जाता है, तो इसको बोलते हैं बैक फायर होता है। ये आपका, ये फ्लेम के क्या होते हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके वेल्डिंग के डिफेक्ट्स होते हैं वैसे फ्लेम के भी डिफेक्ट्स होते हैं। तो इनके बारे में, से वेल्डिंग के डिफेक्ट्स हम पढ़ते हैं तो फ्लेम के डिफेक्ट्स, क्योंकि आपको तो मैंने आपको फ्लेम बता दिया है ना, तो फ्लेम का मतलब कि ये बीच बीच में कहीं कहीं टूट गई है, कहीं कहीं सही से जल नहीं रही है फ्लेम, तो कारण क्या है यही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। चलो आगे आइए, हाँ आगे, फ्लेम के साइड पर कम और अधिक होना, तो ये दबाव दाब रेगुलेटर के सही प्रकार कार्य ना करना और दोनों गैसों का दबाव का अंतर होना, तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं आपके जो आपके डिफेक्ट्स होते हैं। तो ज़रूर भाई जब भी आप इसके बारे में लिखना तो इसको तो डिफेक्ट्स जरूर लिख लेना, क्योंकि आ चुके हैं फ्लेम में बैक होना, तो फ्लेम बैक किस लिए हो रही है कि बैक फायर का कारण फ्लेम टॉर्च के अंदर जलती है और जिसे फ्लैश बैक कहते हैं, ये प्यारा से आपका टर्म्स होती है। फिर आपसे यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि टॉर्च टिप तथा हेड के गर्म हो जाना, फ्लेम का कांपना या पपिंग होना, फ्लेम में पिट पिट की आवाज़ आना, तो इसको बोलते हैं पपिंग होना। तो ये आ चुके हैं क्वेश्चंस, ऐसे भी आ जाते हैं ऐसे, सर इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो। देखो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि आपको लिखने हैं, आप देखो अब मैंने आपको यहाँ पे पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन किया, मैंने किसी चीज़ को कुछ बोला नहीं बोला ना, तो कुछ ऐसे टाइप से हमारे पास बच्चे होते हैं तो इनको भी देखो, फ्लेम का टूटना का मतलब होता है फ्लेम का टूटना कि फ्लेम का ब्रेक हो जाना बीच से, ठीक है। फ्लेम का ब्रेक होने का तात्पर्य ही होता है कि वो गैस का अत्यधिक या तो दबाव प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा हो या आपके फ्लेम को बार बार टॉर्च की टिप वो समीप थोड़ा उसकी अधिक लंबाई हो, लेंथ ज़्यादा हो, ठीक है। अगर आपको ऐसे तोड़ के बताऊंगा तो ओके, तो आप कुछ वर्ड समझा करो, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ था हमारा टॉपिक्स जो कि आपके फ्लेम के बारे में था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है।